दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। हमारा देश भारत परंपराओं का देश है, जहां हर हिस्से में कोई ना कोई अनोखी परंपरा जुड़ी होती है। आज इस वीडियो में हम आपको भारत देश की कुछ ऐसी अनोखी परंपराओं और रीति रिवाजों से रूबरू करवाएंगे। झारखंड में एक गांव में मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करने की एक अनोखी परंपरा पिछले 400 सालों से चली आ रही है। कुकरा नाम के इस गांव में एक पहाड़ है जिस पर एक चांद की आकृति खुदी हुई है, इसलिए इसे चांद पहाड़ कहते हैं। इस पहाड़ पर मौजूद ये चांद की आकृति बताती है कि मां के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करने के लिए गांव की गर्भवती महिलाओं को इस पहाड़ की और चांद की आकृति पर निश्चित दूरी से बस एक पत्थर फेंकना होता है। अगर गर्भवती महिला के हाथ से पत्थर चांद के अंदर लगे तो ये संकेत है कि ये लड़का होगा और बाहर पत्थर लगने पर लड़की पैदा होगी। इस परंपरा पर यहाँ के ग्रामवासियों का अटूट विश्वास, उनके अनुसार ये हमेशा सही होता है। चांद पहाड़ मूल रूप से नागवंशी राजाओं के मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित किया गया था। पहाड़ के ऊपर शिवलिंग और कुंड जैसी आकृतियां गवाह हैं कि वहां नागवंशी राजा पूजा पाठ भी करते थे। इसके ठीक बगल में चांदनी पहाड़ भी मौजूद है, जहां नागवंशी रानियां रहा करती थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कुछ गांवों में एक अजीब सी परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है, जिसमें लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से दौड़ती हुई गायें गुजारी जाती है। इस परंपरा का पालन दिवाली के अगले दिन किया जाता है। इस दिन उज्जैन जिले के भीड़ावड़ और आसपास के गांव के लोग पहले अपने गांव को रंगों और मेहंदी से अलग अलग पैटर्न से सजाते हैं। इसके बाद लोग अपने गले में माला डालकर रास्ते में लेट जाते हैं और अंत में दौड़ती हुई गायें उनके ऊपर से गुजारी जाती हैं। जंगमवाड़ी मोनास्ट्री वाराणसी के सारे मोनास्ट्रीज में सबसे पुरानी है। यहाँ शिवलिंगों की स्थापना को लेकर एक विचित्र परंपरा चली आ रही है। यहाँ आत्मा की शांति के लिए पिंड दान नहीं बल्कि शिवलिंग दान होता है। इस मोनास्ट्री में एक दो नहीं बल्कि कई लाख शिवलिंग एक साथ दान किए जाते हैं। यहाँ मृत लोगों की मुक्ति और अकाल मौत की आत्मा की शांति के लिए शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के चलते एक ही छत के नीचे 10 लाख से भी ज्यादा शिवलिंग स्थापित हो चुके हैं। हमारे देश भारत में आज भी कुछ ऐसी परंपराएं जीवित हैं जो हमें अचरज में डालती हैं। ऐसी ही एक परंपरा है पति की सलामती के लिए पत्नी का एक विधवा औरत का जीवन जीना। यह परंपरा कछवा समुदाय से जुड़ी है। यह समुदाय पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और इससे सटे बिहार के कुछ इलाकों में मौजूद है। यह समुदाय ताड़ी के पेशे से जुड़ा है। इस समुदाय के लोग ताड़ के पेड़ों से ताड़ी निकालने का काम करते हैं। ताड़ के पेड़ 50 फीट से ज्यादा ऊंचे होते हैं। इन पेड़ों पर चढ़कर ताड़ी निकालना बहुत ही जोखिम का काम होता है। ताड़ी निकालने का काम 4 महीने तक किया जाता है। गचवा महिलाएं इन 4 महीनों में ना तो मांग में सिंदूर भरती हैं और ना ही कोई श्रृंगार करती हैं। वे अपने सुहाग की सभी निशानियां तरकुला देवी के पास रहन रखकर अपने पति के सलामती की दुआ मांगती हैं। कुछ उत्तर भारतीय समुदायों में भाई दूज मनाने की अनोखी प्रथा है। इसमें
बहनें भाई दूज के दिन यम देवता की पूजा करती है। पूजा के दौरान वो अपने भाइयों को कोसती है और उन्हें मर जाने तक का श्राप देती है। हालांकि वो श्राप देने के बाद अपनी जीव पर कांटा चुभाकर इसका प्रायश्चित भी करती है। इसके पीछे ये मान्यता है कि ऐसा करने से उन्हें मौत का डर नहीं रहता है। इस परंपरा में भूतों का साया और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हटाने के नाम पर बच्चियों की शादी कुत्तों से करवाई जाती है। हालांकि ये शादी सांकेतिक होती है, पर होती है बिल्कुल असली हिंदू तरीके और रीति रिवाज से। लोगों को शादी में आने का निमंत्रण दिया जाता है। पंडित, हलवाई सब बुक किए जाते हैं। बकायदा मंडप तैयार होता है और पूरे धूमधाम से शादी कराई जाती है। इस शादी में एक असली शादी जितना ही खर्चा बैठता है, और उससे भी बड़ी बात कि समाज और रिश्तेदार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शायद आपको एक बार तो यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमारे देश में झारखंड राज्य के कई इलाकों में इस परंपरा के नाम पर ऐसी शादियां सदियों से कराई जा रही हैं। नाग पंचमी का त्योहार यूं तो हर साल देश के अलग अलग भागों में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे मनाने का ढंग कुछ अलग है। यहाँ पर इस त्योहार में गुड़ियों को पीटने की अनोखी परंपरा है। नाग पंचमी के त्योहार में महिलाएं घर के पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाकर चौराहे पर डालती हैं और बच्चे उन्हें कौड़ों और डंडों से पीटकर खुश होते हैं। इस परंपरा की शुरुआत के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई थी। समय बीतने पर तक्षक की चौथी पीढ़ी की कन्या राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी में ब्याही गई। उस कन्या ने ससुराल में एक महिला को ये रहस्य बताकर उससे इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहा, लेकिन उस महिला ने दूसरी महिला को ये बात बता दी और उसने भी उससे ये राज किसी से नहीं बताने के लिए कहा। लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। इसी के चलते राजा ने इस रहस्य को उजागर करने पर नगर की सभी लड़कियों को चौराहे पर इकट्ठा करके कोड़ों से पिटवा कर उन्हें मरवा दिया। वह इस बात से गुस्सा हो गया कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती है। तभी से नाग पंचमी पर गुड़िया को पीटने की परंपरा है। महाराष्ट्र में अच्छी बारिश के लिए मेंढकों की शादी कराई जाती है। शादी के लिए मेंढकों को फूल माला पहनाकर सजाया जाता है। इसके बाद धूमधाम से उनकी शादी करवाई जाती है। लोगों का मानना है कि इससे बारिश के देवता खुश होते हैं और बारिश कर देते हैं। मेंढकों की शादी में इंसानों की तरह पूरे विधि विधान का पालन किया जाता है। उन्हें वरमाला पहनाई जाती है और सामान्य शादी की सारी रस्में निभाई जाती हैं। शादी के बाद दोनों को एक साथ गांव के तालाब में छोड़ दिया जाता है। ये परंपरा राजस्थान के जोधपुर में निभाई जाती है, जहां देश भर में महिलाओं की आजादी की मुहिम छेड़ी गई है। वहीं जोधपुर की इस परंपरा के अनुसार एक रात औरतों की होती है और उनकी बादशाहत घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर होती है। रात में औरतें सज धज कर बाहर निकलती हैं। अलग अलग रंगों के कपड़े और गहने से लदी महिलाओं के हाथ में एक डंडा भी होता है, लेकिन इस डंडे को लेकर घूम रही लड़कियों के लिए यह डंडा शादी की एलिजिबिलिटी नापने का पैमाना है। दरअसल रात के समय महिलाएं इस डंडे से कुंवारे लड़कों की पिटाई करती है और लड़के चुपचाप मार खाते हैं। माना जाता है कि जो लड़का मार खाता है उसकी एक साल में शादी हो जाती है, मतलब मार खाओ और विवाह रचाओ। और खास बात यह है कि इसमें विधवा औरतें भी हिस्सा लेती हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें अब विदेशी महिलाएं भी भाग लेती हैं। वैसे तो ये सब कुछ 16 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। यहाँ परंपरा के अनुसार औरतें सुहाग की लंबी उम्र के लिए 16 दिन का उपवास भी रखती हैं, और आखिरी दिन ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें शादीशुदा महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी भाग लेती हैं। वैसे तो कई परंपराएं
महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ती भी हैं, लेकिन ये परंपरा इसलिए खास है क्योंकि ये महिलाओं की आजादी का जश्न मनाने की इजाजत देती है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।